सिद्धाडम नोरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सब साहुडम अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देवी का श्री पार्शनाथ भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की भव्य बंधु जब पुण्य का उदय आता है जब जीव का पुण्य का उदय आता है तब उसे अरहंत परमेष के दर्शन मिलते हैं लेकिन जब जीव का साथतिशय पुण्य का उदय आता है तब जीव को अरहंत परमेशी के पूजन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है सामान्य नहीं है जो आप लोगों ने अभी किया है वो सामान्य नहीं है जितने भी लोग जहां भी अभी अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो गए तो सिद्ध चक्र विधान चल रहे होंगे भारत में इस थाली का उस थाली में द्रव्य चढ़ जाता है ये पूजन का उद्देश्य नहीं है देखो आपकी एक थाली जो खाली थी वो भर गई है और जो भरी थी वो खाली हो गई है हो गई कि नहीं इतना द्रव्य छोड़ दो सिर्फ शेष अक्षत लायक आप लोग जब पूजन करते हो चौके में या मंदिर में सो पूरी द्रव्य जो है थाली में रखी आखिरी में जल चंदन और उदक चंदन तंदुल पुष्प कई स्वाहा नहीं शेष अक्षत बचा के रखना चाहिए और जिनसेन स्वामी कहते हैं आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा उन शेष अक्षतों को मस्तिष्क पर रखना चाहिए केवली गुण भागी भवतु भवतु स्वाहा तीर्थंकर भवतु भवतु स्वाहा कि मैं केवली बनूं अच्छा हम मंत्र पढ़ रहे हैं हम डा, डालना ठीक है ना केवली गुण भागी भवतु भवतु, तीर भवतु भवतु, कि मैं आने वाले पर्याय में केवली बनूं तीर्थंकर बनूं ऐसे शुभ भावों से जो अक्षतों को मस्तिष्क पर क्षेपण करता है वो भगवान के साती से आशीर्वाद को लेके जाता है अब वो थाली तो हो गई खाली लेकिन देखो अंतरंग से वो राग द्वेष खाली हुआ कि नहीं उतने समय के लिए भी हुआ कि नहीं अगर अंतरंग से राग द्वेष रहित नहीं हुए हैं तो द्रव्य चढ़ाना व्यर्थ ही है उस समय का शुभ उपयोग तो ऐसा हो गया कि तुरंत पिया हुआ पानक ठंडाई थोड़ी देर के लिए ठंडक दी है लेकिन आप वहीं धूप में फिर खड़े हो गए हो जैसे कोई धूप से चल करके आया व्यक्ति उसको पानी मिल जाए तो कैसा लगता है गर्मी का मौसम आने वाला देखो माताओं की झगड़े इस बात पे होंगे घर पे कि फ्रिज की बोतल निकालो तो भर के रखना सही है नहीं है डांटती की नहीं मां मटके से पानी निकालते जाते हो शाम को भर लेते हो भर लेते ना स्वयं में विचार करो कितने खाली हुए हैं, कितने भर लिए हैं, आज के समय में राकेश भाई जब पाप की बारी आती है ना व्यक्ति धन को खर्च करने में सोचता नहीं है अभी किसी की शादी हो चिरगांव के किसी लंबरदार की शादी हो सेठ की फिर देखो अपने बेटे की बेटी की शादी में छप्पन भोग लगाता है बीस लाख का रिसेप्शन दस लाख की एंट्री बीस लाख की होटल ये लो बजट वाले बाकी तो करोड़ों के हैं एक करोड़ का रिसोर्ट देखो जरा विचार करना धन का समय का जहां भी व्यय कर रहे हो वो सही है कि नहीं है भैया सौदर्मिन जी व्यय का धन का व्यय करना सही है कि सही नहीं है जिस जीव ने जितनी विशुद्धि से काम किया है उसको उतना अधिक फल मिलता है बताएं तीर्थंकर भगवान की भक्ति अभव्य भी करे तो खाली नहीं जाती पंच परमेश प्रति सेवा का भाव अगर मिथ्या दृष्टि का भी हो तो खाली नहीं जाता द्रव्य नमस्कार भी कौन सा कोई भाव नहीं है ठीक है भगवान है उस भगवती आराधना में कथा आई द्रव्य नमस्कार के फल के लिए बहुत सारी कथा आई थी एक कथा यह आई थी सोदर मिंद्र भगवान के समो शरण में था और उसको अवधि ज्ञान से मालूम चला कि उसको दो देवियों का लाभ हुआ है तो वो अपनी विक्रिया से चला गया जहां देवियों का उत्पत्ति हुई थी और लेकर के समो शरण में आ गया मन में आया सो भगवान से पूछता है भगवान इन दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि स्वर्ग में तो जन्म लिया वो मेरी देवी बनी है और सीधा भगवान के समूचरण में पहुंची है उत्पत्ति हुई और भोग विलास में नहीं सीधा कहां पहुंची वो देखो जो जो स्त्री बनता है वो समय के साथ नहीं जन्मा है तीर्थंकर की मां पीयूष सम्मिक्त के साथ उसका जन्म नहीं होता सिद्धांत गलत हो जाएगा नहीं तो सम्यक दृष्टि जीव स्त्री बनते ही नहीं है गाता सुनाओगे अपर में जी सुनाइए व्रजंती ना स्त्री नहीं बनता किसी भी परिस्थिति में सम्यक दृष्टि जीव लेकिन देखो गंभीरता से देखना वो दोनों देवियां बनी मतलब मिथ्या दृष्टि तो थी जन्म से भगवान ने क्या दृष्टान दिया कि जो दो देवियां तुमको प्राप्त हुई है एक माली की जो बगान में होता है ना फूल चुनता है उसकी बेटियां थी और इन दोनों के हाथ में बहुत सारे फूल होते थे ये मंदिर के जिन मंदिर के बाहर से जाती थी देहरी पर दो फूल चढ़ा के चली जाती थी अंदर नहीं जा पाती थी समय नहीं रहता था देहरी पर फूल रख करके चली जाती थी बाहर देहरी पर फूल रख के जाती थी उसका ये प्रभाव कि सौदर इंद्र की देवी हुई है और सीधा वो उनको फूल के बगान में सर्प ने डस लिया था और मरी और सौदर मिंद्र की देवी हो गई दोनों को एक साथ जब भगवान की देहरी की के पास फूल चढ़ाने से पूजन करने से सोदर मिंद्र की देवी बन जाते हैं साक्षात भगवान की हम द्रव्य से भक्ति कर रहे हैं श्रद्धा के साथ तो सौदर मिंद्र क्यों नहीं बनेंगे सारा जो खेल है वो आपके भावों का है देखो उसने भावों से नमस्कार नहीं किया था द्रव्य से किया था उसको समय मिथ्यात से कोई मतलब नहीं था भक्ति ऐसी करो भाव कम हो जाए थाली तो हो गई है खाली बस जैसे थाली खाली हुई है देखो थाली को ऐसे ही भगवान इस भाव के किए हुए पूर्व भाव के किए हुए कर्म हमारे खाली हो गए हैं इसीलिए द्रव्य चढ़ाई धूप के घट होना चाहिए विधान में और धूप का जो घट होता है उसमें धूप चढ़ाते हैं ऐसे तो जैसे ही आप अग्नि में धूप चढ़ाते हो तो क्या होता है ऐसा धुआं उड़ता है जब वो धुआं उड़ता है किस बात का प्रतीक है जैसे धूप अग्नि में पड़ी है और धुआं धुआं हो गया है ऐसे ही भगवान आपकी पूजन से मेरे कर्म भी धुआं धुआं हो गए अभी जब पंच कल्याणक का, का मोक्ष कल्याणक आएगा ध्यान से देखना मोक्ष कल्याणक का, का दिन जो मुनिराज भगवान के संस्कार करते हैं वो भगवान के साथ होली खेलते हैं दिगंबर मुनिराज होली खेलेंगे हाँ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन संस्कार के बाद उनके ऊपर चंदन का चूर्ण डाला जाता है क्यों डालते हैं भैया भगवान ने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है और अब परमानेंट सुगंध इन ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति कर चुके हैं फिर वो भगवान के सामने से चूर्ण डाला जाता है कि जैसे देखो चूर्ण पूरा उड़ गया ऐसे ही भगवान के संपूर्ण कर्म उड़ चुके हैं ये सारी क्रियाएं क्यों होती हैं हम भगवान के पास तो जाएं लेकिन अपने तक लौट आए देखो भगवान कहां रह बैठे देखो जरा आप लोग भगवान को देखना और कहना भगवान मैंने आपका पूजन कर लिया विधान कर लिया अभिषेक कर लिया अब एक दिन वो आए कि हमारा भी अभिषेक सुमेरु में हो जाए तब अपना विधान करना सार्थक है आनंद आया आपको विधान में नहीं आया आया बस अब चलती बिरिया है फ्यूज चलती भी रिया है किसकी किसकी अरे सात दिन में सब चले जाएंगे ऊपर सोमवार से रविवार तक सात दिन में सब चले जाएंगे कोई नहीं रहने वाला सबकी चलती बिरिया है भगवान भी अभी अस्थाई वेदी पर आएंगे फिर वो भी गाजे बाजे से ठाट से अपने सिंहासन में लौटेंगे जितनी गरिमा से भगवान पारसनाथ की अपन स्थापना करेंगे उतनी ही गरिमा से अपन भगवान चंद्रनाथ की स्थापना करेंगे हो भैया उनका कमल भी चांदी का ही बनेगा सब होगा ये चिरगांव है यहाँ के सेठ तो ठीक है सेठानिया बहुत दमदार है राकेश भैया मैं तो ये बड़ा आश्चर्य करता हूं धन सबके पास है मन सबके पास है तन भी सबके पास है लेकिन देव सास गुरु के चरणों में उसी का लगेगा जिसका नीति का न्याय का होगा एक व्यक्ति ने एक जगह बिया पात्रता प्राप्त कर ली माता पिता बन गए क्या माता पिता बन गए नौ तारीख से पंच का लेनक था पीयूष पिछले पंद्रह दिन पहले गुजर गए हाथ में मेहंदी लगी उनकी धर्म पत्नी कह रही थी कम से कम पात्र तो एक बार बहुत धर्मात्मा व्यक्ति पूरे भाइयों को घर को समाज को एक करके चलने वाला व्यक्ति बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे सरल स्वभावी अब जिसकी जब आई है सो आई है। पात्र बन गए मेहंदी लिख गई लेकिन रची तो थी लेकिन रच नहीं पाई किसी का कोई भरोसा नहीं है भगवान चंद्र प्रभु स्वामी से कहना भगवान हम लोगों ने जो भाव बनाया है वो पूरा हो जाए फिर आयु कर्म यमराज आएगा सो आएगा ऋषभ पंडित जी दो दिन पहले बात करी और चले गए ये जो आपने भगवान की पूजन की है ये भगवान और बीच का जो आपका अंतर है उसको घटाने के लिए की है ऐसा नहीं कि ऊपर जाके खड़े हो जाओ बोलो अंतर घट गया नहीं नहीं भगवान और आपके बीच में अंतर है दिख रहा कि नहीं ये अंतर खत्म हो जाए हम ही भगवान बन जाए ये पूजन भक्ति का फल है हाथ जोड़कर यही मांगना हे भगवान अगर इस पूजन भक्ति का विधान का कोई फल हो हम भी भगवान बन जाए और कुछ नहीं चाहिए अभी समय बहुत हो गया है की बिरिया है। आप सभी ऐसे ही निश्चल भक्ति करते रहो पियूष हमको तो सुगंध आ रही सारे कार्यक्रम जबरदस्त सा मंगल होंगे पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक चिरगांव भले ही गांव है लेकिन यहां के पंचकल्याण की स्मृति चिरस्थाई रहेगी चिरगांव है अध्यक्ष जी को बोलना अन्नू बोलना भैया अभी जितनी बारीकी करना सो कर लो मंदिर में भगवान की बेदी में प्रतिमा जी में और पंच कल्याणक में कोई बारीकी नहीं चलेगी दिल खोल के और उस समय माँ जब भगवान का जन्म मिलेगा सौदर इंद्राणी जो बनेगा वो परम सौभाग्यशाली है क्यों सौदर बिंद्राणी जब तीर्थंकर भगवान के जन्म कर देखती है प्रथम दर्शन करती है उसी समय स्त्री वेद का क्षय कर देती है क्या विशुद्धि होती होगी सोचो तो जिनके लिए सोदर मिंद्र भीख मांग रहा होगी दे दो ऐसे तीन लोग के नाथ आपकी गोद में है देखो पीयूष किसका क्या होता है, है? किसका भाग्य चमकता कोई निश्चित नहीं हम पहले इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये ना बोले कि महाराज जी आपने बताया नहीं महिमा समझ लो महिमा समझ लो क्या पता किसकी भवितव्यता हो ऐसे चौबीस पच्चीस पचास बना दें तो मजा नहीं आता जो एक में जलवा होता है वो एक में ही होता है क्यों राकेश भैया जो एक में जलवा होता है वो एक में ही होता है जबरदस्त हार्ड सौदर मिंद्रानी इंदौर का पंचगण याद है उसने पौन घंटे लगा दिए भगवान को देने में पूरा स्टेज नचा मारा सौ फिट का स्टेज था ये जितना अपनी हॉल है ना, इससे दुगना तिगना स्टेज था और डेढ़ सौ फिट का स्टेज था इतने बड़े भगवान थे और एक हाथ से उसने पकड़े भगवान और जो उसने नचाया है पूरे स्टेज में सौदर मिंद्र को हम भी देखते रह गए कि जब नाटक के में आनंद है तो असली के में कितना आनंद आता होगा हम कभी देखते नहीं नाटक लेकिन उस दिन इतनी विशुद्धि बनी कि क्या सौदर मिंद्राणी का सौभाग्य क्या कुबेर का सौभाग्य की समूहरण बना रहा है क्या महायज्ञ नायक का सौभाग्य की भगवान के पूरे विधान कर रहा है क्या माता पिता का सौभाग्य तीर्थंकर को जन्म दे रहे ईशान इंद्र छत्र लगाया है जो ब्रह्म इंद्र बने सब कलश दे रहे हैं भगवान अभिषेक करो भगवान का अभिषेक करो वो लोकांतिक देव अपने कंधों पर भगवान को लेके जा रहे हैं अनुबोध ना कर रहे हैं ये सारे सौधर्म इंद्र कुबेर महायज्ञ नायक भिन्न भिन्न पात्र जब नाटक में इतना आनंद लेते हैं तो असली में कितना लेते होंगे अपन को नाटक में ही असली का आनंद ले लेना है क्योंकि भाव जिसके जैसे होंगे निर्जरा उसकी वैसी ही होगी आज से ही साड़ी लेना बंद कर देना भगवान के पंच कल्याण के लिए द्रव्य का संग्रह चालू कर देना वो जो आप सोच रहे हो ना कि मैं ऐसी साड़ी पहन के भगवान को उठाऊंगी ऐसा मुकुट पहनूंगी ऐसे भजन गाऊंगी ऐसे भगवान को सजाऊंगी निर्जरा कारण आज से है ऐसे भव्य भावों को लेकर के जाना शेष कल चर्चा करेंगे कल शांति विधान के पश्चात वेदी और परसों भगवान की अपन करेंगे मंदिर में स्थापना और 1008 दीपकों से भगवान का अपन नजर उतारेंगे कि हमारे भगवान को अब नजर नहीं लग जाए भगवान महावीर स्वामी की उन्नीस सागर जी संग